So guys, welcome back to my channel. So myself Prisa and you are watching Beauty with Brain. Guys, ठंडी आ गई है एंड इस टाइम पे सीजन ऐसा है कि शादी भी हो रही है, पार्टी भी हो रही है. सो हम लोग सोचते हैं कि कुछ जैकेट हो हमारे पास जो कि देखने में बहुत क्लासिक लगे एंड उनको पहनने के बाद मतलब हमारा जो लुक हो भी बहुत अच्छा है एंड हमारे जो पैसे ना वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो. सो मैं लेके आई हूँ आपके लिए मीशो विंटर हॉल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें मैंने काफ़ी जैकेट्स लिए हुए हैं जो कि मुझे लगा कि हाँ ये लो टू हाई रेंज का है एंड इसका कलर पे ऑफ मतलब इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो मीशो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जिससे हम कपड़े ले सकते हैं एंड मीशो पे आपको लो टू हाई रेंज के कपड़े अवेलेबल होते हैं. आप किसी भी कैटेगरी के कपड़े वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं एंड उनकी रिफंड की भी पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मतलब आप तुरंत कपड़े आपके वापस होंगे और आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा. मैंने जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आप वहाँ से जाके मीशो को डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पे आपको छूट भी मिलेगी. सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए. सो लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो. एंड उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा. एंड आप अगर कंटिन्यू मेरे चैनल पर रहते हैं तो थैंक यू सो मच दिल से. सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी एंड क्लासी जैकेट एज यू कैन सी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड का जो है काफ़ी वर्क है इसमें. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ इसके जो वर्क है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. एंड इसमें हर जगह आप देखेंगे तो पूरे पे यही वर्क आया है. एंड ये डेनिम का जैकेट है तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हैवी नहीं है. आप इसको एज अ कैजुअल किसी भी ड्रेस पे पहन सकते हो. मतलब आप इसको जीन्स पे भी कैरी कर सकते हो और आप इसको सूट पे भी कैरी कर सकते हो. सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. और इस जैकेट में जो मेरा साइज़ है वो स्मॉल है एंड इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा प्यारा है. नेवी ब्लू कलर जो होता है ना वो आपके हर कलर पे सूट करता है. सो आपको ये कलर ज़रूर देखना चाहिए. एंड इसका जो प्राइस है आई थिंक 350 के समथिंग है. सो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. सो अब बात करते हैं अपने सेकेंड जैकेट की. तो मेरे पास जो सेकेंड जैकेट है वो है ये बहुत ही प्यारा सा डेनिम का जैकेट जो कि दो कलर में है एज यू कैन सी. एंड ये बहुत प्यारा लगा मुझे बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं ये दो कलर है. एंड इसका जो नीचे का कपड़ा है वो थोड़ा जीन्स का है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको वार्म तो नहीं करता है बट हाँ आपके लिए नॉर्मल है. अगर आप इसके अंदर कोई इनर सा भी पहन के इसको पहनते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपको गर्म करेगी. काफ़ी सिंपल एंड सोवर है ये. इसका जो लुक है ऑल ओवर वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट आता है. मतलब आपको पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ आपने उसको डाला है अपने शरीर के ऊपर. सो इस पर मेरा साइज जो है वो यस है, स्मॉल है आप देख सकते हैं. एंड इसका जो कॉस्ट है आई थिंक 400 के आसपास है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड प्रोडक्ट. जो मेरे पास यहाँ पे तीसरा जैकेट है वो है दिस ब्यूटीफुल डेनिम जैकेट. एंड इसमें ये टोपी भी है और ये काफ़ी हैवी भी है. मतलब अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा हैवी है और जैकेटों की अपेक्षा. तो आप देखेंगे इसमें दोनों स्लीव्स पे दिया गया है ये कॉटन का बहुत ही प्यारा सा वर्क. एंड इसकी प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको एक टोपी भी मिलती है जिसमें ये बहुत अच्छा सा कॉटन का वर्क दिया गया जिससे बहुत ज़्यादा सोवर एंड क्लासी लगता है. और इसका जो कॉस्ट है वो आई थिंक 450 के आसपास है. तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई फोर्थ जैकेट जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है. एंड सो मैं बात कर रही हूँ इस वाइट जैकेट की जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इसका जो प्रिंट है ना आप देखेंगे मतलब छोटे छोटे कार्टून टाइप के हैं. इसमें आपको देखेंगे आप बल्ब बना हुआ है, थोड़े से ग्रैप्स बने हुए हैं एंड ये बर्थडे वाली टोपी भी बनी हुई है. सो ये ऑल ओवर मुझे ये जैकेट बहुत ज़्यादा प्यारी लगी. मतलब बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है. एंड वाइट कलर में अगर कोई वर्क दिया होता है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खिल गया था. ये पूरा प्लेन वाइट ही है, इसमें वर्क दिया गया है स्लीव्स पे भी है एंड पूरे जैकेट में है. सो आप इसको किसी भी तरह के ड्रेस के ऊपर कैजुअल कैरी कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी इसका जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट आने वाला है. सो आप इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं बट आई विल प्रेफर यू कि आप वाइट कलर ही लें. एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जैकेट. एंड इसका जो रेट है आई थिंक वो भी 450 के आसपास है. सो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा. सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जैकेट की. तो मेरे पास यहाँ पर है ये बहुत ही प्यारा सा रेड कलर का जैकेट जो कि इसका जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. मतलब आपको स्वेटर का तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है ना ही जैकेट का. हाँ बट ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा अगर ठंडी नहीं हो रही है, बहुत लाइट सी ठंडी हो रही है तो आप इसको कैरी कर सकते हो उस टाइम पे. इसके अंदर आप इनर पहन लीजिए या फिर कुछ भी पहन के अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा. इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इससे टी शर्ट का कपड़ा होता है ना बहुत सॉफ्ट सा होता है, आप इसको ऐसे गोलसा कर सकते हैं, तो वैसे ही इसका भी कपड़ा है ना बहुत सॉफ्ट सा है. एंड इसमें भी अगेन ये टोपी दी गई है सो आप इसको भी पहन सकते हैं. एंड इसका जो प्राइस है आई थिंक 500 के अबव है. सो अगर आप एक नॉर्मल जैकेट की सोच रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं. अदरवाइज़ आप डेनिम्स की जैकेटों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. सो ये थी एक नॉर्मल जैकेट जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेंज की नहीं है एंड ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे पहनने के बाद आपको ऐसे लगा कि नहीं आपने कुछ पहना है भरा भरा सा, ऐसा कुछ नहीं. एक नॉर्मल रेंज की जैकेटें हैं ये एंड एक नॉर्मल साइन फॉर लुकआउट भी आता है. सो डेनिम की जैकेटें एंड बेसिकली ऐसी होती हैं कि आप उनको किसी भी ड्रेस में पार्टी वेयर में आप उनको ट्राई कर सकते हैं. वो आपको कंफर्ट भी फील कराती हैं प्लस आपको ठंडी से भी बचाए रखती हैं. सो अब मूव ऑन करते हैं अपनी हाई रेंज की जैकेटों के ऊपर. तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो जैकेट है वो है ये
बहुत ही प्यारा सा पैरासूट जैकेट, विच इज माई मोस्ट फेवरेट। एंड इसमें ये टोपी लगी, आप देखेंगे तो इसकी जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर लगा मुझे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसको पहनने के बाद मैंने स्कूटी भी चलाई है, बट मुझे ज़रा से भी ठंडी नहीं लगी, बिकॉज मैंने एक इनर पहना था उसके ऊपर जस्ट इसको पहना था, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। बिल्कुल भी हवा जो है आपके इधर से पास नहीं होती है। तो इसमें अगर आप अंदर देखेंगे तो इसकी जो लेयरिंग है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत गर्म करता है अंदर से, एंड बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं कि पहनने के बाद आपको लगे कि क्या पहन लिया, ऐसा कुछ भी नहीं, और ना ही बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। इससे कुछ होता है ना पॉलिथीन टाइप का, आपने पहन लिया ऊपर से ऐसे हाथ फिराते हैं तो सर सर आवाज़ आती है, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 790 के आसपास है। सो ये बहुत ही अच्छी जैकेट है, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ठंडी भी ना लगे और एक अच्छे रेंज की आपको ये जैकेट भी मिल जाए, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर है, एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लीजिएगा। सो मेरे पास यहाँ पे है एक लेदर की जैकेट जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, एंड लुक एट दिस, ये बहुत ही प्यारी लेदर की जैकेट है। एंड आप इसका कलर जो देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब ये लाइट ब्राउन कलर का है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जैकेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, आप किसी भी ड्रेस के ऊपर पहन सकते हो, पार्टी वियर नॉर्मल या फिर किसी भी ड्रेस के ऊपर आप इसको जब पहनेंगे ना तो बहुत ही क्लासी सा लुक आएगा, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने कहा मैंने कुछ तो डाला है अपने शरीर के ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो वंस अगेन, इसको भी पहनने के बाद आपको जो है बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगने वाली है, एंड आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, प्लस क्लासी तो लगेगा ही। सो इसमें भी बहुत ज़्यादा कलर है, आप किसी भी कलर को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो रेट है आई थिंक 830 या 850 के आसपास है, सो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो दिस इज़ लास्ट जैकेट विच इज़ रॉयल ब्लू कलर, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक क्लासी लग रहा है, लुक एट दिस। सो आप देखेंगे तो ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन है, मतलब इस पूरी जैकेट में जो है ये बना हुआ है, इसमें कैप नहीं है, बट इसको पहनने के बाद ऑल ओवर जो लुक आता है ना वो बहुत ही क्लासी लगता है, एंड बहुत परफेक्ट सूट करता है। और इसमें जो मेरा साइज है वो स्मॉल ही है, मेरी जितने भी जैकेट हैं उनमें जो मेरा साइज़ आता है वो स्मॉल टू मीडियम ही आता है। सो मेक श्योर कि आप जब कुछ मंगा रहे हो तो अपने साइज़ जो है वो एकदम ध्यान से चेक करके मंगाइएगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि हमको कहीं जाना रहता है एंड हम लोग जो है कभी एक साइज़ बड़ा एक साइज़ छोटा मंगा लेते हैं, फिर उसको चेंज करने में एक्सचेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो इसलिए मंगाने से पहले एक बार चार्ट ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 1100 के आसपास में है। सो ये इतनी कॉस्टली इसलिए क्योंकि इसका जो वर्क है, जो इसका कपड़े में यूज़ किया गया है, एंड इसका जो कलर है, जो मटेरियल है वो सबसे डिफरेंट है, एंड ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है। सो अगर आप किसी एक ऐसे जैकेट की सोच में हैं, ऐसे किसी जैकेट के लिए आप सोच रहे हैं जो कि एक अच्छी खासी बजट की हो, एंड उसमें जो है आपको वर्क भी अच्छा मिले, एंड वो जैकेट का जो वूलन हो वो भी काफ़ी अच्छा हो, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड रही बात कलर की, तो कलर आपको सभी में मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 कलर ज़रूर होते हैं, कुछ कुछ जैकेटों में कम से कम 10 कलर होते हैं, सो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हैं। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छी जैकेट कौन सी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल एंड, एंड ऐसे ही मुझे वीडियो को देखते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।